प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद महाकाल मंदिर में हुआ पूजन। कोरोना वायरस का कहर पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है। इसकी चपेट में आने से नेता, अभिनेता, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी और मीडिया कर्मी भी नहीं बच पाए हैं। शनिवार को आई भोपाल की कोरोना रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे प्रदेश में अफरा तफरी मच गई है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में मुख्यमंत्री की जल्द ही स्वस्थ होने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन किया गया। पुजारी यश गुरु ने बताया कि हमें जैसे ही पता चला कि मुख्यमंत्री भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, तो पुजारी परिवार ने आज बाबा महाकाल का बिलपत्र और फूलों से मंत्र उच्चारण के साथ अभिषेक किया है। साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना बाबा महाकाल से की है। अभी को ज्ञात है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो हमने बाबा महाकाल के पूजन गुरु से निवेदन कर अभिषेक पूजन करवाया और हम भाजपा नगर के सभी कार्यकर्ता की ओर से शिवराज सिंह चौहान जी को जल्द ही स्वस्थ होने की कामना बाबा महाकाल से करते हैं। वंदे मातरम, जय श्री। ओम होम जूम साहा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे वंदना मृत्युर्मुक्षिमां तात, ओम स्वाहा भुवा भूः, ओम सह जूम होम ओम। नमस्कार। जैसा कि ज्ञात है कि कोरोना नाम का वायरस सारे देश विदेश में पूरी तरीके से फैल रहा है, उसी का असर आज भारत देश में देखने को मिल रहा है। हमें कल ये ज्ञात हुआ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है कोरोना को लेके, तो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए आज हमने बाबा महाकाल जी के चरणों में बिल्वपत्र से अभिषेक करा है, 1,00,000 फूलों की पंखुड़ी से अभिषेक करा है, 1,25,000 महामृत्युंजय जप का संकल्प लिया है, उसी के साथ में फलों का रस भगवान को अर्पित करा है। भगवान महाकाल से यही प्रार्थना है कि इस संकट की घड़ी में उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे और उनके स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार प्रदान करे, ताकि वो प्रदेश की सेवा जल्द से जल्द कर पाए। धन्यवाद। श्री यश गुरु जी।